हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। डी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो कक्षा 12 हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ हिंदी लिटरेचर का मॉडल पेपर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नई वीडियो जैसे ही चैनल पे अपलोड की जाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल पेपर है, इसी मॉडल पेपर के आधार पर आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। और वार्षिक परीक्षा में जो हिंदी साहित्य का पेपर आएगा वो इसी के आधार पर आने वाला है। तो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपका जो पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा, वो 80 नंबर की होने वाली है हिंदी साहित्य की। और आपको पेपर करने के लिए टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। सबसे पहले जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें ऊपरी ऊपर कुछ आपके लिए सामान्य निर्देश होंगे जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर होगा वो अलग अलग खंड के अंदर बंटा हुआ होगा। जैसे सबसे पहले खंड ए, इसमें दिया होगा गद्यांश, अपठित गद्यांश होगा। और गद्यांश के नीचे 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आपको अच्छे से गद्यांश पढ़ना है और नीचे जो 6 बहुविकल्पी प्रश्न है इनका उत्तर आपको इस गद्यांश से देना होगा। प्रत्येक सही जवाब पे आपको मिलेगा 1 नंबर। तो आप देख सकते हो ये गद्यांश वाले 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र है ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे जाएगा वो अपठित काव्यांश। पहले गद्यांश था, उसके 6 ऑब्जेक्टिव टाइप थे और अब क्या है, काव्यांश है। तो कोई भी काव्यांश होगा, पद्यांश होगा और उसमें भी क्या दिए होंगे, नीचे 6 प्रश्न दिए होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। आप देख सकते हो प्रत्येक सही जवाब पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आप अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और इसके बाद देखिए साथियों, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो प्रश्न है ये आप देख सकते हो 6 प्रश्न होंगे, 6 नंबर के होंगे, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न। उसके बाद देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो कि 20 वर्ड के अंदर आपको लिखना होगा, 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही जवाब पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन 12 प्रश्नों का। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका जो पेपर होगा वो होगा खंड ब। तो देखिए अब तक अपन ने पढ़ा उसमें 12 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, 6 रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होंगे और 12 अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। अब खंड ब देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 15 तक के प्रश्न जो है वो अति लघुतरात्मक है। अब खंड स जो है वो 3-3 नंबर का है अथवा वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, 17 और 18, 3 प्रश्न अथवा वाले हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए खंड द जो कि 5 नंबर का है, आपको स प्रसंग व्याख्या करनी है। जो काव्यांश है पठित काव्यांश, 2 काव्यांश दिए होंगे और कोई एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। उसके बाद देखिए गद्यांश है, 2 गद्यांश दे रखा है और 2 गद्यांश में से कोई एक की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, ये भी 5 नंबर का होगा। लास्ट जो प्रश्न है साथियों वह है निबंध के रूप में, 400 शब्दों में आपको लिखना होगा और ये 6 नंबर आपको दिलाने वाला है। 4 आप देख सकते हो, मेरा प्रिय कवि, कामकाजी महिला और राष्ट्र निर्माण, योग और छात्र जीवन, राजस्थान, भाषा और साहित्य। तो इस तरह का साथियों आपका हिंदी साहित्य का मेन पेपर रहने वाला है। तो आप अपनी वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी करें इस पेपर को ध्यान में रखते हुए ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।